गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास एट्थ विषय हिंदी और चैप्टर हमारा तीसरा है, बस की यात्रा। हमने इस चैप्टर को यहाँ तक कंप्लीट पढ़ लिया था, इसे आगे हम पढ़ते हैं। और चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दार्थों को देख लेते हैं। क्षण, क्षण का अर्थ होता है कमजोर। वृक्ष मीन्स पेड़, छाया मीन्स परछाई, दैन्य दया के योग्य, गलानी शर्मिंदा होना, प्राणांत प्राणों का अंत, बियाबान बियाबान का अर्थ होता है सुनसान, अत्येष्टि 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 का अर्थ होता है अंतिम संस्कार। आइए पढ़ते हैं चैप्टर को। एकाएक फिर बस रुक गई। जो बस थी वो अचानक फिर रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। अर्थात ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, तरकीबें मतलब बहुत कोशिश की, लेकिन वो बस थी वो नहीं चली। सविज्ञ आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे लेखक को कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है। जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। जो कंपनी के जितने भी मैकेनिक थे वो कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है, फिर क्यों नहीं चल रही, अर्थात फिर क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। यह जो बात है यह तो इत्तेफाक लगता है। क्षण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दैन्य लग रही थी। लेखक कह रहा है कि चांदनी रात थी और क्षण मतलब थोड़ी थोड़ी चांदनी जो रात थी, और वह जो बस थी वो वृक्षों के नीचे खड़ी थी, छाया के नीचे खड़ी थी, तो ऐसी लग रही थी दया के योग्य। दैन्य मतलब दया के योग्य लग रही थी। लगता था जैसे वृद्धा थक कर बैठ गई हो, अर्थात जो बूढ़ी औरत है वो थक कर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी, अर्थात हमें गलानी का अर्थ होता है शर्म आ रही थी कि बेचारी पर हम लद कर चल रहे हैं, अर्थात हम इस पर जा रहे हैं। हमें खुद ही महसूस हो रहा था, अर्थात हमें खुद ही शर्म आ रही थी कि ये जो खचाड़ा बस है, अर्थात जो जर्जर अवस्था में है, हम इस पर लद कर जा रहे हैं, चल रहे हैं, जा रहे हैं। अगर हमारा इसका प्राणांत हो गया तो हम इस बियाबान में ही इसकी अत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब यहाँ लेखक कह रहा है कि ऐसा लग रहा था जैसे ये इसकी मृत्यु होने वाली, किसकी, बस की, और हमें इस सुनसान जंगल में ही इसकी का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। क्षण चांदनी में बस लेखक को कैसी लग रही थी, बहुत ही दैन्य अवस्था में। ड्राइवर ने बस को कहाँ खड़ा कर दिया था, ड्राइवर ने बस को कहाँ खड़ा था, एक पेड़ के नीचे। इस पर इसके सबसे पहले कुछ शब्दार्थ देख लीजिए। आँखों की ज्योति, इंजन के दोनों ओर लगी बिजली की बत्तियाँ की रोशनी, सर्च लाइट बोलते हैं जिसको, रेंग रही थी, बहुत धीरे धीरे चल रही थी। वह उम्र मिस जवानी, पढ़ते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, अर्थात जो मैकेनिक थे ना बस के, उन्होंने इंजन को खोला, कुछ सुधारा होगा उस बस में। बस आगे चली, अब बस चलने लगी थी। उसकी चाल कम हो गई थी, अर्थात पहले की से वो कम चल रही थी, चल तो गई थी लेकिन पहले से कम चल रही थी। धीरे धीरे वृद्धा की आँखों की ज्योति जाने लगी थी, अर्थात वृद्धा किसे कहा गया, उस बस को, उसकी जो आँख होगी, अर्थात जो लाइट रही थी ना जो आगे लग रही थी उनकी, वो थोड़ी कम जलने लग रही थी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, अर्थात चांदनी रात थी और रास्ता को देख देख कर वह ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखाई देती, दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती। अगर आगे से या पीछे से सड़क पे कोई गाड़ी दिखाई देती ना तो वो बेचारी साइड में या किनारे खड़ी हो जाती और वो कहती कौन, बस, कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं है। अर्थात वो जो वृद्ध बूढ़ी बताया गया है किसको, बस को, और जो आने वाले जितने भी व्हीकल हो उनके जो, उनको क्या बताया गया है, बेटी, और उनसे कहती अब मेरी तो उम्र हो चुकी है ना, और तुम निकल जाओ, मतलब साइड लेकर निकल जाओ, ठीक है, अपनी उम्र इतनी तेज़ नहीं है कि तेज से दौड़ सके। बस की जो रोशनी है कैसी हो गई थी, बिल्कुल ही क्षण, अर्थात बहुत ही
कम जल रही थी। बस दोबारा किस प्रकार स्टार्ट हुई, जो मैकेनिक थे उन्होंने इंजन खोला और उसके पश्चात बस स्टार्ट हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।